शौचालय में आपने बाहरी कायाकल्प कुछ बदल दिया है, किंतु अंदर हालात बहुत बदतर है। सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते मरीजों के परिजनों से झाड़ू पोछा लगवाया जा रहा है, क्या है सर ये स्थिति और क्या कहेंगे इस पर? बेसिकली जो स्थिति है वो ख़राब है, इसमें कोई दो राय नहीं, और इस जिम्मेदारी से मुंह भी नहीं मोड़ा जा सकता। पर मेरा ये कहना है कि जिला अस्पताल का जो प्रबंधन है वो मुख्यतः इसके लिए उत्तरदायी है। ज़िले में 50 क्लास वन अफसर होते हैं और सबको अपना अपना काम जो है मुस्तैदी से करना होता है। अब हॉस्पिटल की जो बेसिक सुविधाएं थी उसको सुधारने का काम हमने इसलिए किया कि वो नहीं कर सकते, किंतु उनके पास 37 कर्मचारी जिनको वो 2.5 लाख रुपये 3 लाख रुपये महीने का भुगतान कर रहे हैं, 8 उनके पास जो है परमानेंट सफाई कर्मचारी। ऐसी स्थिति में अगर वो काम नहीं करवा पा रहे हैं तो उनकी जो है क्षमता का द्योतक जो अकाउंटेंट है उसके बारे में शिकायत ये है कि समय से वेतन भुगतान नहीं करते हैं, तो उनको तो हमने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। और जो सिविल सर्जन है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई के लिए प्रस्ताव हम जो कमिश्नर महोदय हैं उनको भेज रहे हैं। कुछ और अव्यवस्थाएँ हैं जो नोटिस में अभी आई हैं। हाल फिलहाल हम ये सोच रहे हैं कि इस पूरी सफाई व्यवस्था को इनसे ले करके सुलभ इंटरनेशनल या उनके माध्यम से एक जो सक्षम संस्था होती है उसको दे दिया जाए, क्योंकि सफाई व्यवस्था की शिकायतें लगातार पिछले 5-6 महीनों से बनी हुई हैं और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था करना आवश्यक होगा। तो सफाई मूलभूत आवश्यकता है अस्पताल की और उसे इस तरीके से छोड़ा नहीं जा सकता। सर इसलिए हमने कल सुलभ इंटरनेशनल को बुलाया है और वो चीज़ें हम करेंगे। दूसरा, जो नर्सेज के व्यवहार के बारे में और डॉक्टर्स के व्यवहार के बारे में लगातार आप लोगों के द्वारा खबरें प्रसारित की जाती हैं, व्यवहार उचित नहीं है। कल परसों में हम इनकी एक कार्यशाला बुला रहे हैं और इनसे सबसे हम इनकी समस्याएं भी सुनेंगे और इनकी एक कार्यशाला का आयोजन भी करेंगे ताकि हम इनसे बात कर सकें कि इनका व्यवहार किस प्रकार से नर्सेज का डॉक्टर्स का किस प्रकार से, और बाकी जो चीज़ें होंगी उनको गर्व से देखेंगे। सर यहाँ सिक्योरिटी के नाम पर जो गड़बड़ झाला किया जा रहा है, लगभग 3 माह से सिक्योरिटी के टेंडर ख़त्म है, फिर भी पुरानी सिक्योरिटी को बार बार रिन्यू करके उनको पेमेंट दिया जा रहा है और एक गड़बड़ी की तैयारी की जा रही है फिर से उन्हीं को टेंडर, ना ही टेंडर प्रोसेस किया जा रहा है ना सिक्योरिटी यहाँ पे प्रॉपर वे में अपना काम करती है। ये मुद्दा भी आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है और इस पर हम कल रवि सिविल सर्जन है नहीं भोपाल में उनके उनको बुला के हम पूछेंगे कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं और उसका पीछे कारण क्या है, क्योंकि टेंडर करने में इतना समय नहीं लगना चाहिए और टेंडर करके प्रॉपरली करना चाहिए। जहाँ तक अस्पताल का विषय है, निश्चित रूप से प्रबंधन जो है उसको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन जो है उचित ढंग से नहीं करा रहा है। अब रात में तो आज हम नगर पालिका के कर्मचारी लगाएंगे, फिर नगर पालिका का अमला अस्पताल में नहीं लगाया जा सकता है। हम जब 3 लाख रुपये 4 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं साफ सफाई को, उसका रिजल्ट आना चाहिए और अस्पताल प्रबंधन रिजल्ट उसका लाए, किंतु मुझे लगता है कि सफाई व्यवस्था के मामले में कम से कम मैं जो है अब इन पर विश्वास नहीं करता हूँ और मैं वैकल्पिक व्यवस्था करके और ऐसी जिम्मेदारियाँ फिक्स करेंगे ताकि साफ सफाई की व्यवस्था तो सुचारू रूप से संभव रहे। सर टेंडर के नाम पर भी यही वर्क चल रहा है, पिछले 5-6 महीने से जो है रिन्यू करके टेंडर को किया जा रहा है और इसी कारण वो दबाव बनाते हैं, पेमेंट का लोचा बताते हैं, कई सारी बातें आती हैं उसके लिए। मैंने जैसा बताया कि हम वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं। सुलभ इंटरनेशनल एक बहुत ही स्वीकार्य संस्था है जिसके अपनी स्वीकृत दरें हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार के टेंडर की आवश्यकता हमको पड़ेगी। और वो जिम्मेदारी पूर्वक कार्य काम भी करते हैं, तो अभी हाल फिलहाल तो हम सुलभ इंटरनेशनल को हमने कॉल किया है कि वो आए किस तरीके से काम करेंगे। सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम आरंभ हुआ था तो संविदा कार थे उन्होंने 300 गद्दे दिए थे, लगभग 150 के आसपास बेड भी दानदाताओं दिए थे और 600 चद्दरें भी दी थी। निश्चित रूप से अस्पताल में ऐसा तो है नहीं कि पहले बेड नहीं रहे होंगे, गद्दे नहीं रहे होंगे। ऐसी स्थिति में भी अगर मरीज जो है ऊँची लेट रहे हैं तो एक विषय है, मैं तहसीलदार साहब को निर्देशित कर रहा हूँ कि सत्यापन करें पिछले 5 साल में कितने बेड करते आए और हमने डोनेशन दिलवाया है, लोगों ने डोनेट किया है, तो उनकी प्रॉपर एंट्री होकर के वो प्रॉपरली लगे हैं कि नहीं लगे हैं।
कि जांचना भी बहुत जरूरी है कि अगर अस्पताल में इतनी व्यवस्था कराने के बाद लोग नीचे लेट रहे हैं तो ये भी एक गंभीर चिंता का विषय है। अगर सत्यापन में कोई दिक्कत आती है तो कार्रवाई करेंगे, और अगर बेड और गद्दे कम पाए जाते हैं तो उसके लिए भी हम व्यवस्था करेंगे, डोनेशन से करना पड़े चाहे शासकीय खरीद करना। एक और चीज़ संज्ञान में आई कि कुछ 4 से 10 AC अभी हमने हाल फिलहाल लगवाए थे और अस्पताल में बहुत गर्मी है। कल परसों में 2-3-4 दिन में हम लगभग 15-20 AC का और प्रबंध कर रहे हैं ताकि अस्पताल में सुविधाएँ बढ़े। मेरा एक ही कहना है कि अस्पताल प्रबंधन जो है जो सुविधाएँ उनको दी जा रही है उसका सुचारू रूप से उपयोग करें और हम लोग उनको हेल्प करें, चाहे सिटी के कलेक्टर हों वो हेल्प करें या जनप्रतिनिधि हों या जनसामान्य हों वो हेल्प करें। व्यवस्था बनाने का काम अस्पताल प्रबंधन का है, और अगर अस्पताल प्रबंधन व्यवस्था नहीं बनाएगा तो उसके खिलाफ हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। पहले हम बात करेंगे, कल हम सभी डॉक्टर्स और नर्सेज से बात करेंगे, उनकी समस्याएं भी जानने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि सिविल सर्जन का ऐसा कहना है कि जो कर्मचारी हैं वो आते नहीं है इसलिए उनका वेतन काटना पड़ता है, कर्मचारी कहते हैं कि हमारा वेतन काट लिया हमको दिया नहीं, तो दोनों तरफ से दोनों बातें हैं इस प्रकार की। तो हम इसीलिए हम बात कर रहे हैं सुलभ इंटरनेशनल की, एक थर्ड पार्टी हो जिसका अपना खुद का ऑडिट हो और जो बहुत ही रेपुटेड संस्था है, जो हम 2.5 लाख दे रहे हैं वो 3 लाख हमसे ले लें लेकिन हमारे अस्पताल की व्यवस्था को बहुत सुचारू रूप से संपन्न करते हो। वो सफाई की व्यवस्था के लिए तो हम एक थर्ड पार्टी अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन बाकी जो अस्पताल में थोड़ी बहुत चीज़ें और हो रही हैं, जैसे अभी अस्पताल में मुझे लगता है कि बेड और गद्दों की भी आवश्यकता मिल रही है, AC की भी आवश्यकता है क्योंकि बहुत गर्मी है और बहुत मरीज हैं और बाथरूम भी चौक पड़ेगा। वी हैव टू डू समथिंग। तो अगले एक हफ्ते में हम लोग इस पर कोशिश करेंगे, और मेरा अनुरोध ये है कि जो दानदाता लोग हैं जैसे कुछ लोग अगर AC दान कर सकते हैं या बेड दान कर सकते हैं वो लोग भी आगे हैं जो अस्पताल में चीज़ें, जैसे पिछली बार उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में अस्पताल के लिए काम किया था, तो अगर कुछ लोग आगे आना चाहते हैं तो वही मैं अपील पुनः करना चाहता हूँ कि वो आएँ, किसी से किसी प्रकार की धनराशि की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई AC डोनेट करना चाहता है, कोई बेड डोनेट करना चाहता है तो वो करें और हम उसके आभारी रहें। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अस्पताल के पास धनराशि नहीं है, हम तात्कालिक व्यवस्था के रूप में लोगों का सहयोग चाहते हैं, अपील करेंगे कि लोग आएँ और हेल्प सर। पूरी गंदगी फैली हुई है और कोई पानी का एक साफ सुथरी व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए इस सब संदर्भ में हम लोग एक आध 4-5-7 दिनों में, जैसे पिछली बार युद्ध स्तर पर हम लोगों ने काम किया था, युद्ध स्तर पर हम अब 2-3 दिनों के बाद फिर से इस पर काम शुरू करें। मुझे ऐसा लगता था कि एक बार व्यवस्था बनाने के बाद जो है सुचारू रूप से चीज़ें चलेंगी, लेकिन मुझे लगता है इंटरफेरेंस की हमें की आवश्यकता है, हम करेंगे क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारा उत्तरदायित्व है जिला अस्पताल प्रबंधन या डॉक्टर, और उनको महसूस कराना भी हमारा उत्तरदायित्व, हम उनको महसूस कराएंगे उनका क्या उत्तरदायित्व।